अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में इनमें पैसे नहीं डाल पाए हैं आप, तो जल्दी से इन खातों में पैसे ट्रांसफर कर लें, क्योंकि अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक पैसे डालना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डालते हैं तो ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे जुड़े कई नियम हैं। तो क्या है वो नियम, वो भी जान लीजिए। नियमों के तहत इन दोनों अकाउंट्स में मिनिमम अमाउंट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में रकम डालना जरूरी है और इस साल के लिए पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है, और अगर तब तक पैसा जमा नहीं कराया तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ ही पैसा नहीं जमा करने पर इस अकाउंट पर आपको लोन भी नहीं मिलेगा और आप इस अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि पीपीएफ अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है, यानी कि आपको इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए का निवेश तो करना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है। इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है, तो आप उससे पहले ये मिनिमम बैलेंस इस खाते में जरूर डाल लें। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। बता दें कि पीपीएफ अकाउंट पर अभी 7.1% का ब्याज मिलता है। वहीं अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इस खाते में आपको हर साल कम से कम 250 रुपए जमा कराने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको 50 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर 7.6% ब्याज मिल रहा है। आपको बता दें कि दोनों ही योजनाएं डाकघर द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जिन बैंकों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिलती है उसमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो अगर आपका भी इनमें से कोई अकाउंट है और आपने उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है तो उसमें जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दें और जुर्माने से भी बचें और अपने अकाउंट को एक्टिव भी रखें। तो अगर आपको किसी भी सरकारी योजना के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।